गुड मॉर्निंग एंड जैन स्टूडेंट, वेलकम टू सनबीम स्कूल सुल्तानपुर। ऑनलाइन क्लासेस विल बी स्टार्टिंग एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 3, व्हाट इज अ गवर्नमेंट। इन दिस चैप्टर डिस्कस एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर चैप्टर 3। योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट एंड लिस्ट 5 वेज इन विच गवर्नमेंट लिस्ट 5 वेज इन विच यू थिंक द गवर्नमेंट अफेक्ट योर डेली लाइफ। The decision on where to build roads and other infrastructures, and the decision of various social welfare programs, and the decision on important goods and commodities like petrol and onion, and protect the boundaries and maintain friendly relations with the other countries, ensuring that there are good health facilities. Main work गवर्नमेंट का क्या है, रोड्स को बनाना और जितने भी आगे की जितनी योजनाएं हैं उनको पूरा करना, डिसीजन जितने भी सोशल वेलफेयर के जितने प्रोग्राम हैं, लोगों के जो वेलफेयर के जो प्रोग्राम्स हैं उनको डिसाइड करना, द डिसीजन ऑन इम्पोर्टेंट गुड्स एंड कॉमोडिटी लाइक पेट्रोल अनियन जो इनके दाम वगैरह है इनको डिसाइड करना कि कितने किसके प्राइस होंगे, प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज एंड मेंटेन फ्रेंडलीटीज विद द अदर कंट्रीज से अच्छी रिलेशन बनाना, फ्रेंडली रिलेशन बनाना और अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना, एंड इंश्योरिंग दैट देयर आर गुड हेल्थ फैसिलिटीज और लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देना, गुड ट्रीटमेंट देना। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म्स ऑफ लॉ। गवर्नमेंट के कौन से लॉज बनाने चाहिए सब लोगों के लिए, किन लॉज की आवश्यकता है। सम रूल्स हैव टू मेड बी दैट अप्लाई टू एवरीवन, जब भी कुछ रूल्स ऐसे हैं जो सब पे इक्वल अप्लाई होते हैं। देयर इज अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर। सभी जितने भी रिसोर्सेज हैं लाइक नेचुरल रिसोर्सेज और लोगों को प्रोटेक्ट करना जिससे जो कंट्री के लोग हैं वो अपने आप को कैसा फील करें, सिक्योर फील करें। गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप मेकिंग डिसीजन। और गवर्नमेंट ये सब किस तरह करती है, लोगों के बिहाफ पे डिसीजन लेती है, लीडरशिप करती है लोगों की, एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस अमॉन्ग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। और किन पे इम्प्लीमेंट करती है, उन लोगों पर जो उसकी टेरिटरी में उनके देश में रहते हैं। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू एसेंशियल फीचर ऑफ आवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज आंसरेबल ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो लोगों के प्रति आंसरेबल होती है, उनके प्रति उत्तरदायी होती है, एंड पीपल इफेक्ट देयर लीडर्स टू गवर्न टू नेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। और लोग यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है फॉर द पीपल ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग अपने लिए खुद के रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं जो उनके बिहाफ पे डिसीजन लेता है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सफ्रेज मूवमेंट, व्हाट डिड इट अकॉम्प्लिश। सफ्रेज मीन्स द राइट टू वोट अर्लियर मूवमेंट एंड पोअर ऑफ द सफ्रेज का मीन्स है सबको इक्वल राइट देना वोटिंग का। अर्लियर वुमेन एंड पुअर ऑफ द यूएसए डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। यूएसए में पहले जो गरीब लोग थे और वुमेन्स थी उनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। दे फाउट फॉर देयर राइट्स एंड दिस मूवमेंट गैदर इन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये जो मूवमेंट थी ये फर्स्ट वर्ल्ड गया काफी पावर में आ गई, लोग अपना राइट चाहते थे, जो लेडीज थी और जो पुअर लोग थे राइट चाहते थे कि उनको भी पार्टिसिपेट करना देना चाहिए वोटिंग में। दे सक्सेड इन द यूएसए इन 1920 एंड इन यूके इन सक्सेड इन 1928। और सबसे पहले ये यूएसए में सबको इक्वल राइट दिया गया 1920 में, वो अपने इस अभियान में सक्सेस हुए, और यूके में 1928 में लोगों को इक्वल राइट दिया गया वोटिंग का। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव दैट इट्स एडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन द राइट टू वोट, हाउएवर अ फ्यू पीपल डोंट शेयर हिज views, they feel that illiterate people who are mainly poor should not be given the right to vote. What do you think and do you think this would be a form of discrimination? Give 5 points to support your views and share this with this class. Gandhi ji
जो थे वो क्या चाहते थे कि लोगों को इक्वल राइट दिया जाए वोटिंग का, और लोग जितने भी क्या था इन ब्रिटिश टाइम लोगों को इक्वल राइटिंग का वोट नहीं दिया गया था, जो केवल रिच पर्सन थे उनको वोटिंग राइट था, पुअर्स को और वुमेन्स को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था, जो इलिटरेट पर्सन थे। तो गांधी जी क्या चाहते थे कि सबको इक्वल राइट दिया जाए। ये कहीं ना कहीं क्या एक डिस्क्रिमिनेशन था, एक पक्षपात ही था लोगों के साथ। इन ऑल द डेमोक्रेसीज पुअर एंड इलिटरेट हैव द राइट टू वोट, जितनी भी डेमोक्रेसीज होंगी उसमें सभी पुअर्स को इलिटरेट को वोटिंग का राइट दिया जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट ऑल सिटीजन आर इक्वल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या गया है जितने भी सिटीजन हैं सभी इक्वल हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्क्स फॉर ऑल सिटीजन एंड नॉट जस्ट फॉर लिटरेट एंड रिच पीपल, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वो सबके लिए इक्वल वर्क करेगी, लिटरेट और रिच पर्सन के लिए नहीं होगी। अ फ्यू माइनॉरिटी शुड नॉट डिसाइड द फेट ऑफ द मेजोरिटी, और कुछ लोग यानी जैसे लास्ट में था क्या कहते हैं कुछ जो रिच पीपल्स होते थे वही वोटिंग करते थे और पूरी मेजोरिटी के लिए क्या डिसीजन लेता है उन्हीं के द्वारा लिया जाता था, लेकिन ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अब नहीं होगा, सबको इक्वल राइट वोट देना चाहिए। इट इज नॉट अ क्राइम टू बी पुअर हैंस, दे शुड बी गिवन द राइट टू वोट। ये एक तरह से अन्याय था लोगों गरीबों के साथ, जो अनपढ़ थे या लेडीज के साथ, उन सबके साथ अन्याय था, सबको इक्वल राइट देना चाहिए वोटिंग का। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस ऐसी क्वेश्चन आंसर, थैंक यू, जय हिंद।